हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे पढ़ो 24x7 पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, हल्का सा डिस्कशन किया था, तो आज मैं पूरी उसका डिस्कशन करूंगा क्या होते हैं एक्चुअल में, कितने टाइप्स के फाइनल गुड्स होते हैं, कितने टाइप्स के कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सब आदमी डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आपकी गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है वो एक्चुअली में यहाँ पे चार टाइप्स की दे रखी है आपको। ठीक है, कितने टाइप्स की दे रखी है? फोर टाइप्स की। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बट एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये दो ही कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फाइनल गुड्स को ही कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स को ही क्या कहा जाता है? कैपिटल गुड्स कहा जाता है। यानी कि अगर मैं इसको इधर से देखूं तो ये मुझे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दिखेगा, और अगर मैं उसको उस साइड से देखूं तो ये कौन टाइप्स ऑफ गुड्स मुझे कौन से दिखेंगे? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका फाइनल गुड होता है वही आपका कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वही आपके क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन, जो आपकी प्रोडक्शन लाइन होती है, जो प्रोडक्शन करने की जो बाउंड्री लाइन होती है उसको क्या कर चुके होते हैं? क्रॉस कर चुके होते हैं। अब उसके अंदर प्रोडक्शन करने की गुंजाइश आपकी बिल्कुल भी नहीं बचती, यानी कि आप उस गुड से फर्दर कोई न्यू गुड आप नहीं बना सकते। बट इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड हम क्या कह सकते हैं? इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जिसमें अभी भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके या फिर उसकी वैल्यू में एड ऑन करके हम उसको एक नया गुड बना के दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपके सामने शुगर का एग्जाम्पल लेता हूँ। शुगर क्या हो गई? शुगर आपका एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड है कि शुगर को अगर मैं मिठाई के अंदर यूज करूं, बिस्किट्स बनाने में यूज करूं, तो क्या होगा? शुगर की वैल्यू में एड ऑन करके उसको बिस्किट बनाने में यूज किया जा सकता है। दैट मींस क्या है? शुगर आपका इंटरमीडिएट गुड है। बट अगर मैं बात करूं बिस्किट्स की, तो बिस्किट्स क्या हो गए आपके? फाइनल गुड, क्योंकि बिस्किट से हम अब कुछ और नहीं बना सकते। आप बिस्किट से समोसा नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन लाइन की, जो प्रोडक्शन करने की जो एक बाउंड्री होती है उसको क्रॉस कर चुके होते हैं कि अब उससे ज्यादा हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड हम क्या कर सकते हैं? अभी भी उसमें कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स वही होते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करते हैं, और कैपिटल गुड्स होते हैं जो कैपिटल यानी कि प्रोड्यूसर यूज करते हैं। अब यहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी कि सर अभी तो आपने बताया कि इसमें प्रोडक्शन ये कंज्यूमर यूज करता है, ये प्रोड्यूसर यूज करता है, तो ये प्रोड्यूसर यूज करता है दैट मीन्स हाउ, मतलब समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में ना कोई भी गुड फाइनल या कोई भी गुड इंटरमीडिएट नहीं होते। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई भी गुड फाइनल और कोई भी गुड इंटरमीडिएट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा का सारा डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे। एंड यूज का मतलब कि उसका आखिरी यूज कौन कर रहा है। ठीक है, आखिरी यूज कौन कर रहा है? आखिरी पार्टी उसकी कौन सी है? या तो आखिरी यूज प्रोड्यूसर करेगा या फिर आखिरी यूज कंज्यूमर करेगा। अगर आखिरी यूज कंज्यूमर करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आखिरी यूज कंज्यूमर करता है तो वो कहलाई जाती है आपके फाइनल गुड, चाहे वो कोई सी भी गुड हो। ठीक है, और अगर आखिरी यूज उसका इंटरमीडिएट, अगर आखिरी यूज उसका प्रोड्यूसर कर रहा है, उसमें कुछ वैल्यू एड ऑन करके उसको दोबारा से रीसेल करेगा, तो उसको क्या कहलाया जाएगा? कैपिटल गुड कहलाया जाएगा। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल दिख रखे हैं मैंने दो तीन, उससे पढ़ के आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है शुगर का। शुगर का एग्जाम्पल मतलब कि अगर शुगर को हाउस होल्ड में यूज किया जाता है, यानी कि अगर हम कंज्यूमर उसको यूज करते हैं, जैसे कि आपने चाय बनाने में यूज कर लिया, आपने नींबू पानी बनाने में यूज कर लिया, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका फाइनल गुड कहलाया जाएगा। ठीक है, बट अगर उसी शुगर को हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, उसी शुगर का कोई प्रोड्यूसर यूज करता है बिस्किट मेकिंग में, जूस मेकिंग में, स्वीट्स मेकिंग में, तो वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी भी शुगर की कोई वैल्यू एड ऑन करना इसमें बाकी रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्लोर। आटा जो होता है, अगर उसी आटे को हम घर में यूज करें, ठीक है, रोटी बना के खा जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एंड यूज कहलाया जाएगा। बट उसी आटे को अगर प्रोड्यूसर यूज करे बिस्किट बनाने के अंदर, ठीक है, और भी कई सारे यूज होते हैं उसके, उसी को अगर प्रोड्यूसर यूज करे तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड कहलाया जाएगा। तो यहां से हमें साफ पता चलता है
कि कोई भी गुड इंटरमीडिएट या कोई भी गुड फाइनल नहीं होती। सारा का सारा खेल जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है आपके एंड यूज पे। अगर इसका एंड यूज प्रोड्यूसर कर रहा है तो क्या कहलाया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। और अगर इसका एंड यूज कंज्यूमर कर रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, फाइनल गुड। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ फाइनल गुड। वैसे कंज्यूमर गुड कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली आपके गुड्स तो तीन ही टाइप्स के होते हैं, बट हमने इसमें एक और एड ऑन कर लिया है, सर्विसेज। वो गुड नहीं होता क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, उसको हम गुड्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बट फिर भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्या है पहला आपका ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स नाम से पता चला ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो चले सालों साल, जो सालों साल चलता है, कभी भी जितनी जल्दी इतनी आसानी से खराब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी हो गया, ठीक है, टीवी का एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्रिज का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सब क्या है, इसको अगर आप एक बार परचेस कर लेते हो तो क्या हर महीने परचेस करते हो या हर साल परचेस करते हो, जी नहीं। अगर आपने एक बार परचेस कर लिया तो मिनिमम टू मिनिमम 5 साल, 6 साल, 7 साल, इवन 10 साल तक भी ये आइटम क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी अपनी नहीं खोती है, 10 साल तक भी चलती रहती है। ठीक है, फिर आता है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड जो आपका 1 साल 1.5 साल चल जाए, ठीक है, 2 साल तक भी अगर चले तो भी हम उसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपके कपड़े हो गए, ठीक है, 1-2 साल आपके आराम से चल जाते हैं। क्रॉकरी हो गई, कप प्लेट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो चाइना डिश के बने हुए होते हैं, वो क्या हो गए आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो गए, जैसे कि आपने कोई फोन परचेस करा या आपने कोई इलेक्ट्रिक गैजेट परचेस करा, कुछ भी हो सकता है, हीटर परचेस करा, वो 1 साल के अंदर खराब हो गया या 1.5 साल के अंदर खराब हो गया, दैट मींस क्या है, वो आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं, जिनकी जो लाइफ वैल्यू होती है वो ड्यूरेबल गुड्स से क्या होती है, कम होती है काफी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जिनकी लाइफ इन दोनों से कम होती है, यानी कि ये आइटम्स वो होते हैं जो 1-2 दिन इससे ज्यादा नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल आपकी सब्जियां हो गई, मार्केट से परचेस करके लाते हो, आपके दूध के पैकेट्स हो गए, ठीक है, वो सब क्या होता है, आपकी पेरिशेबल आइटम जितनी भी होती है ना बच्चों, वो सारी की सारी आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाती है, यानी कि जिनकी सेल्फ लाइफ 1-2 दिन इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज। सर्विसेज मैंने आपको पहले बताया कि ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती, बट स्टिल हम इसको इसके अंदर डाल दो कि ये सर्विसेज में कंज्यूम कौन करता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर ही करते हैं सारी की सारी। तो सर्विसेज में क्या हुआ, इंटेंजिबल होती है, जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमको कहीं जाना है, यहां से हमको एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, तो हमने क्या करा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज करा। ठीक है, या मान लो हमें कैश विड्रॉ करना है तो हमने क्या करा, एटीएम सर्विसेज को अवेल करा। ठीक है, तो दैट मींस क्या है, आपके 4 टाइप्स के जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो आपके यही है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हिंदी में जैसे क्या बोलते हैं, निवेश करना, इन्वेस्ट करना, कॉमन टर्म है एकदम, आप लोगों ने डेली लाइफ में हमेशा सुना ही होगा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये सब इन्वेस्टमेंट करो, वहां इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो, दैट मींस क्या है, इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हम क्यों बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी स्टॉक है कैपिटल का, उसके अंदर क्या करना, एड ऑन करना। कैपिटल का जो भी स्टॉक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टॉक और फ्लो क्या होते हैं, बट अभी के लिए आप समझ लो, जो भी आपका कैपिटल का स्टॉक है, कैपिटल आपकी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जो भी आपके कैपिटल का स्टॉक है उसको क्या करना, एड ऑन करना। ठीक है, उसमें एड ऑन करना यानी कि कैपिटल को फॉर्म करना, उसी को क्या कहला जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट कहला जाता है। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कि आपके पास जो भी स्टॉक है, सपोज करो पहले आपने एक मशीन, आपने फैक्ट्री स्टार्ट की तब आपके पास 2 मशीन थी, बट फैक्ट्री स्टार्ट किए हुए आपको 2 साल हो गए, अब आपके पास 20 मशीने हैं, तो आपने कितनी एक्स्ट्रा मशीने एड ऑन करी, 2 से 20, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 18 का, दैट मींस 18 इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की भी कैटेगरी होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि कैपिटल के अंदर क्या करना, एड ऑन करना, इसका फॉर्मूला भी होता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा मतलब चेंज करना कैपिटल, यानी कि कैपिटल के अंदर क्या करना, चेंज करना। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इज फर्दर कैटेगराइज इंटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट नाम में लिखा हुआ फिक्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम फिक्स असेट्स पे करते हैं,
फिक्स एसेट्स समझते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी, जो इन्वेस्टमेंट हम फिक्स एसेट्स पे करते हैं वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास कितनी थी, 10 मशीनरी है सपोज करो, और एंड ऑफ द ईयर में आपके पास 16 मशीनरीज हो गई है। दैट मीन्स आपने कितनी मशीनरी का एड ऑन करा, 6 मशीनरी का एक्स्ट्रा एड ऑन करा, 16 - 10 = 6, तो वही आपकी क्या होगी यहाँ पे, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी क्या होती है, जो भी आपके पास स्टॉक होता है। इन्वेंटरी आपकी 3 टाइप्स की होती है, पहला होता है आपका फिनिश प्रोडक्ट, दूसरा होता है आपका फिनिश प्रोडक्ट यानी जो सामान बनके तैयार हो गया, दूसरा होता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी जो भी सामान प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने यूज अभी तक नहीं किया, और तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के बनने की क्या है, कगार में है, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो इन तीनों के अंदर जो भी आपके स्टॉक में, जो भी आपकी क्वांटिटी में बढ़ना होगा, सपोज करो पहले हमने 100 केजी का प्रोडक्शन करा और 2 महीने बाद हमने 300 केजी का प्रोडक्शन करा, दैट मींस क्या है कि आपने 200 केजी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा, तो वही आपका क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। आपने इन्वेंट्री के स्टॉक में क्या करा, इंक्रीज यहां पे किया, तो वही आपका क्या कहलाया जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है। क्लियर हो गया। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल है, जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें भी आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट, या फिर जब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाऊंगा तो भी मैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट को डिटेल में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्या रोल है। एक्चुअली मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट काफी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, बट कैसे, जब हम धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी टू टाइप्स की हो गई, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉमन वर्ड है, कॉमर्स जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, बट फिर भी पढ़ना तो सबको है। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी भी असेट्स की वैल्यू में क्या होना, फॉल होना, क्या, किसी भी असेट्स की वैल्यू में फॉल होना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सपोज करो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, मैंने एक मोबाइल फोन परचेज करा 15,000 का, ठीक है, कितने का, 15,000 का मोबाइल फोन परचेज करा। अब जब मैंने परचेज करा उसके 6 महीने बाद जब मैं उसको सेल करने जाऊंगा किसी दूसरे के पास, तो क्या उस मोबाइल की वैल्यू मुझे 15,000 ही मिलेगी, नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि 6 महीने जो मैंने यूज करा है उस यूज करने की जो कॉस्ट होगी उसको मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा ना। कोई कहेगा, अगर कोई मुझसे फोन लेगा तो मुझसे ये भी तो कह सकता है कि भाई तूने 6 महीने यूज करा है तो 6 महीने के पैसे मैं तुझे क्यों दूं, 6 महीने तक तो तेरे पास था, अब जब से मैं यूज करूंगा अब की इसकी वैल्यू तुझे यहां पे दूंगा। तो जो वैल्यू कम हो जाती है उसी वैल्यू को बोला जाता है बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि डेप्रिसिएशन हमेशा असेट्स में लगता है, कि डेप्रिसिएशन क्या होना, किसी भी असेट्स की वैल्यू में फॉल होना, सिवाय एक के, सिर्फ लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी सब पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। लैंड पे हमारी असेट होती है फिक्स असेट, बट उसमें कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ओइंग टू नॉर्मल वेयर एंड टियर लॉस और एक्सीडेंटल डैमेजेस, यानी कि किसी भी जो आपका नॉर्मल है, यानी कि ये फॉल आपकी वैल्यू करेगी ही करेगी, चाहे आप उसको कितना संभाल के रखो, एक बार आपने उसको परचेस कर लिया उसके बाद तो उसकी वैल्यू फॉल करेगी ही करेगी, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर मतलब होता है नॉर्मल, कभी उसमें कभी कुछ खराबी आ जाती है, कभी कुछ खराबी आ जाती है, उसको आप रिपेयर करा तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। डेप्रिसिएशन का भी काफी बड़ा इसमें रोल है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं, बट जब नेशनल इनकम पे आएंगे धीरे धीरे फर्दर वीडियोज में, तो उसमें आपको बताऊंगा कि हाउ डेप्रिसिएशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इट, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कुछ नाम से और भी जाना जाता है, जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस। ऑप्सिलेंस के बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में कि ऑप्सिलेंस क्या होता है, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल यानी कि स्थाई पूंजी का उपभोग, अगर मैं हिंदी में बात करूं, ठीक है, तो फिक्स कैपिटल को कंज्यूम करना, ये इसका दूसरा नाम होता है। इसी नाम को सबसे ज्यादा यूज किया गया नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। नेशनल इनकम के चैप्टर में आपको कभी भी डेप्रिसिएशन डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको यही हमेशा मिलेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बट हमने यहाँ पे पढ़ लिया तो हमें आगे चल के इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी दिक्कत नहीं होती, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, यू नो, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, यहां तक मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं एक बार आप उसको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, बाद में आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद हम लोग, ठीक है।
ऑप्सिलेंस देख लेना, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे डाउट लग रही है, ठीक है। ऑप्सिलेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेक्टेड, ठीक है, और एक होता है आपका अनएक्सपेक्टेड। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका जो आपका ऑप्सिलेंस होता है वो, एक होता है आपका एक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस और एक होता है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब हमें पता हो इसके बारे में, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसमें हमें इसके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन होता है इसके अंदर, कि हमें पता होता है पहले से ही कि ये तो आपका लगना ही लगना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कितने भी आप कुछ भी कर लो, ये आपका लगना ही लगना है। बट अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है कि आप सामान लेकर आए, वो अचानक से क्या हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, या फिर उसमें आग लग गई, ठीक है, या फिर आप कुछ भी आप एक ड्रम लेकर आए, ऑयल का वो क्या करने लग गया, लीक करने लग गया और आपको पता नहीं चला, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो यहां पे हो गया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड के अंदर आ गया, और थेफ्ट लॉस बाय फायर और लीकेजेस, ये आपको किसमें आ गया, अनएक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस के अंदर आ गया, ठीक है। ये आपका बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड होता है, इसका जो हम लॉस होता है वो रिकवर करते हैं प्रोविजन बना के, ठीक है। लॉस रिकवर बाय मेकिंग प्रोविजंस। प्रोविजंस पता होगा आप लोगों को, प्रोविजन मतलब होता है कि जो लॉस हमें पहले से ही पता होता है उसके बारे में हम अलग से एक प्रोविजन बना के रखना, अलग से ही कुछ पैसे को बचा के रखना, जिस पैसे को हम बाद में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब आपका क्या होता है, इस प्रोविजन के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इसके लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस रिकवर बाय इंश्योरेंस। जो आपने इंश्योरेंस करा के रखा होता है, आपने सुना भी हो गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, फोन का इंश्योरेंस करा रखा है, ये किस लिए, कल को हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं, जहां से हमें वो पैसा रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके दो बेसिक डिफरेंस थे, कि आपका एक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, कि पहले में डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेक्टेड हो गया एग्जांपल, दूसरे में आपका लॉस बाय फायर थेफ्ट लीकेज, ठीक है, ये सब हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका लॉस रिकवर बाय मेकिंग प्रोविजंस, आप यहाँ पे प्रोविजंस को बना के लॉस को रिकवर कर सकते हैं, बट अनएक्सपेक्टेड में आप प्रोविजन नहीं बनाते क्योंकि आपको तब पता ही नहीं है कि होगा क्या, तो प्रोविजन किस चीज का बनाओगे, बट हम फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ठीक है, कि अगर कल को कुछ भी हो गया, कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, तो हम इस अनएक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस को इंश्योरेंस के द्वारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक और फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, वहीं पे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते रहेंगे, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है मेरा, इकोनॉमिक्स विद अजय सिंह, ठीक है, इकोनॉमिक्स विद अजय सिंह, यहां पे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, तो वो यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस चीज को, जो कोचिंग की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मतलब कहीं दूर रहते हैं, जो नहीं पढ़ पाते, उनको भी आप क्या कीजिए, इस चीज को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ के क्या कर सके, इस चीज का बेनिफिट ले सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।